21 अगस्त यानी कल बात बंद का ऐलान किया गया है। 1 अगस्त को एससी एसटी के आरक्षण को लेकर, आरक्षण में आरक्षण की मांग को लेकर फैसला आया था और उसी के बाद ही जो अन्य दल है, अनेक प्रकार के जो एससी एसटी के दल है, उसके द्वारा चर्चा यह सोशल मीडिया पर वह चलनी शुरू हो गई थी कि जो भारत बंद का ऐलान है उसको लेकर लगातार चर्चा यह सोशल मीडिया पर चल रही थी। और उसके बाद ही बात करें राजस्थान के अलग अलग जो ज़िले हैं उन पर एसपी और कलेक्टर के द्वारा जो गणमान्य लोग हैं एससी एसटी के, उनके द्वारा जो मीटिंगें हैं वह ली जा रही थी। जो पिछले 7-8 दिनों की बात करें तो अलग अलग जगह मीटिंगें हैं वह ली जा रही थी और इसके दौरान आखिरकार फैसला ले लिया गया है। 21 अगस्त यानी कल जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसी के द्वारा ही कई जगह जो स्कूलें हैं सभी प्रकार की स्कूलें बंद रहेगी और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी जो एग्ज़ाम है वह भी स्थगित कर दिए गए हैं और आगे की तारीख है वह दे दी गई है। और उसके बाद बात करें जो मार्केट है वह सभी प्रकार की मार्केट है वह बंद रहेंगे। बता दें आपको कि जो ज़िले में है कल सुबह से ही है वह अलग अलग जगह पर रैलियाँ हैं वह निकलनी शुरू हो जाएंगी। जो रैलियाँ है वह पूरे मार्केट में निकलेगी। जो मार्केट में जो भी दुकानें बंद रहेंगी शांतिपूर्ण है उन दुकानों को बंद करवा जाएगा और उसी के साथ ही पूरी शांतिपूर्ण रैली है वह निकाली जाएगी पूरी सब जिलों की। बात करें बाड़मेर जिले की, जैसलमेर की और चाहे बात करें राजधानी जयपुर की, यहाँ पर भी अलग अलग जो टीमें हैं अलग अलग दल बनाए गए हैं उनके दौरान जो रैली है वह निकाली जाएगी। बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ पर 25 जो टीमें हैं वह गठित की गई है। 25 टीमें अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पर रैलियां है वह शुरू की जाएगी। और वहीं राजधानी जयपुर में बता दें आपको कि जो बड़ी रैली है वह रामनिवास बाग से शुरू की जाएगी और जयपुर के अलग अलग जो मेन मार्केट है उनसे होते हुए वापस रामनिवास बाग पर वहीं पर ख़त्म की जाएगी। और बता दें आपको जो 25 टीमें हैं वह गठित की गई है जो, और बता दें आपको कि किन बड़ी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है वह भी बता दें। बात करें बसपा पार्टी की तो उन्होंने भी समर्थन किया है। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है हनुमान बेनीवाल की, उन्होंने भी इस भारत बंद आह्वान का समर्थन किया है। और कांग्रेस की बात करें, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस लड़ाई के साथ है, वहीं बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा जिस प्रकार भाजपा की मानसिकता है वह संविधान को कमजोर करने की, आरक्षण को कमजोर करने की है। कांग्रेस के बंद का समर्थन करने के सवाल पर जूली ने कहा कि अंतिम निर्णय अध्यक्ष करेंगे लेकिन जहाँ भी मांग संविधान की है तो पीछे हटने वाले नहीं है। कांग्रेस ने कार्यकर्ता इस लड़ाई के साथ है, आज सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह रहा है इसके लिए कोई नीति है, लोग ये तय नहीं करेंगे। उसको लेकर बता दें आपको कि कल पूरी तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है और सभी प्रकार से जो स्कूलें हैं, बड़ी कॉलेजेस हैं, पूरा मुख्य मार्केट है वह सभी प्रकार से बंद रहेंगे। और वहीं पर बात करें जो मुख्य मार्केट है, मुख्य चौराहे है, वहाँ पर जो राजस्थान पुलिस के जाब्ते हैं वह तैनात रहेंगे और पूरी इस रैली को है जो शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा और सफल बनाया जाएगा। धन्यवाद।